हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम घर में सनफ्लावर का पेड़ लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक पॉट है जिसके अंदर मैंने एक कोकोपीट लिया है। तो ये कोकोपीट का पाउडर है। अगर आपको कोकोपीट बाय करना है तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और आप देख सकते हो मेरे हाथ में सनफ्लावर के कुछ सीड्स हैं, तो सनफ्लावर के सीड्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपको मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये सनफ्लावर के सीड होते हैं, आप देख सकते हो। तो इसे हम आसानी से घर पे ही सनफ्लावर का पेड़ जमा सकते हो। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको लगभग 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है गाइस, सिंपली आपको सिर्फ इसे एक एक करके इस तरह से जमा देना है मिट्टी के अंदर और सीड्स को ढक देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसमें ग्रो कर दिया है। तो मैं इसको अंदर दबा देता हूँ कुछ सीड्स को। तो मैंने सारे सीड्स को दबा दिया है और इसे टैप कर लिया है। और आप ऐसा, अब हम इसे छोड़ देंगे। तो अब मैं आपको इसकी अपडेट 2 से 3 दिन के बाद दूंगा कि इसमें क्या अपडेट है, इसकी सैपलिंग्स निकली या नहीं। तो मैं आपको दो या तीन दिन बाद इसकी अपडेट दूंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो गाइस, तो 3 दिन के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा सनफ्लावर का पेड़ के सीड्स कैसे ग्रो कर चुके हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे छोटे छोटे बेबीज निकलने लगे हैं। तो गाइस, सनफ्लावर का सीड अगर आपको जमाना है तो आप 3 से 4 डेज़ में उसे इजीली ग्रो कर सकते हो। तो आप उसे मार्केट से ना खरीदिए और घर पे ग्रो करिए। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जो मैंने लगाया था। आप देख सकते हो मेरे दूसरे प्लांट्स में कितने अच्छे से ग्रो हो गया है मेरा सनफ्लावर का प्लांट। तो मैं उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जैसे ये मेरा प्लांट बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी अपडेट आपको अपने एक दूसरी वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।